आपको सीधे ले चलते हैं काराकाट की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जारी है। आपके हक का छीन लेता है तो छोटे लोगों को तो जेल में बंद करने के लिए कोई चिल्लाता नहीं है, बड़े जाने चाहिए छोटे जाने चाहिए? आप मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा। गुनाह किया है तो छोटा आदमी जेल जाना चाहिए कि सबसे बड़ा है वो जाना चाहिए? बड़ा हो जेल जाना चाहिए ना? तो मैं बड़ों को भेज रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं ना, सही कर रहा हूं ना। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं, और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। भाई और बहनों, ये इंडी गठबंधन वाले अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग बिहार और बिहारियों के अपमान के खिलाफ आवाज तक उठाते नहीं है। कांग्रेस के पंजाब के नेता ने बिहार से वहां काम करने गए, वहां मेहनत करके ईमानदारी से जीवन जीने वाले हमारे बिहारी मजदूर भाई बहनों का घोर अपमान किया, बदले शब्दों में अपमान किया, कहा अब हम उन्हें बिहारियों को पंजाब में घर नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस के मिनिस्टर ने कहा है, कांग्रेस के शाही परिवार ने इसके विषय में मुंह पे ताला लगा दिया है। क्या कभी कांग्रेस के शाही परिवार ने बिहारियों के इतने बड़े अपमान के लिए बिहार से माफी मांगी क्या, बिहारियों से माफी मांगी क्या? और ये इनको लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है,